My favorite photo in my gallery. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं ट्रेंडिंग रील एडिटिंग, जिसको आपने थंबनेल में और वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक वॉच करना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले आपको गाइज इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको प्लस वाला आइकॉन में जाना है ऊपर। इसमें जाने के बाद आपको स्टोरी वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको अपने फोटो को लेना है, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो। तो ये रहा मेरा फोटो, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर इसमें सिंपली आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इस इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना, उसके बाद आपको टॉक्सिक ग्लिच वाला जो ये इफेक्ट है इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, थ्री डॉट दिख रहा है इसमें क्लिक करना है और यहाँ से सेव कर देना है। तो आपके में दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर सेव वाला, तो सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देना। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका जो वीडियो रहेगा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो सेव हो चुका है। अब आपको करना क्या है गाइस, आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको VN एप्लीकेशन को सिंपली ओपन करना है। तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। ठीक है गाइज, ऐसे करना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो का क्लिप दे दूंगा, माय फेवरेट फोटो इन माय गैलरी वाला, इसको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो इसको सिंपली ऐड कर लेना यहाँ से। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसमें जाकर आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि वीडियो के लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद एक ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा, इसको हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद हमें प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हमने जो इंस्टाग्राम से वीडियो सेव किया था उसको सिंपली सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एरो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद हमारा वीडियो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा वीडियो जो है आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब अगर इतना करने के बाद हमें म्यूज़िक ऐड करना है, तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए इस म्यूज़िक वाले ऑप्शन में जाना है, म्यूज़िक में चले जाना है। ठीक है गाइज, उसके बाद आपको चूज़ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर सिंपली इस म्यूज़िकल भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जाकर। तो सिंपली इस पर राइट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये म्यूज़िक यहाँ पर ऐड हो जाएगा गाइज। अब आपको करना क्या है गाइज, जो म्यूज़िक है इस म्यूज़िक के इसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पर आपको लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद सिंपली स्प्लिट पे क्लिक कर देना है और जो लास्ट में एक्स्ट्रा बचे उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा गाइस। गाइस यहाँ पर एक कमी रह गया है एनिमेशन वाला, तो एनिमेशन को ऐड करने के लिए इस प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैक रख सकते हो या व्हाइट रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। उसका ब्लैक वाले पे जाकर यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद हमारा जो वीडियो रहेगा कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। My favorite photo in my gallery. तो गाइज हमारा वीडियो जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है ऊपर, इसमें क्लिक करना है, यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देना है। आपका वीडियो रहेगा वो आपके गैलरी में यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेव टू एल्बम, तो आपको सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो नीचे सेव टू एल्बम वाला ऑप्शन आया है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो वीडियो रहेगा आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये वाला ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।